नमस्कार सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत दिनों में वीडियो डाल रही हूँ। ये देखिए रेंडिली का कितना प्यारा फ्लावरिंग चल रही है। बारिशें भयंकर ही हुई हैं इस बार हमारे यहाँ पे भी, और आज 15 दिन बाद शाम के वक्त शायद थोड़ी सी धूप निकली है। 10-15 दिन हो गए, और पिछले हफ्ते तो बहुत ही तेज़ बारिश हुई है जयपुर में। काफ़ी जगह पानी भर गया था, स्कूलों की भी छुट्टियां हुई, आज की भी थी। तो बस ऐसे खूबसूरत से मौसम में रेन लिली ने बहुत कमाल किया ना, फ्लावरिंग दी है। यही मौसम होता है इसमें फूल खिलने का। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मैंने कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, फ्रूट प्लांट्स, तो कुछ आ गए हैं कुछ और आना बाकी हैं। तो मैं आज आपको जो आ गए हैं उनका वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें मेरे वीडियोस को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। हालाँकि आजकल मैं बहुत कम वीडियोस डाल रही हूँ, थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा हो गई है लाइफ में। कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब आप देखो, आप ये 5 कलर के मेरे पास रेन लिली हैं और कई सालों से लगे हुए हैं विदाउट एनी केयर। बारिश आती है तो मैं इनको ऊपर निकाल देती हूँ और ये खूबसूरत से फ्लावर्स देने लग जाते हैं। तो ये एक पैकेट जो मेरा आया है, ये तो मेरे कई सालों से मैं इन 2-3 नर्सरी से ही प्लांट मंगाती हूँ। तो ये तो डी दास नर्सरी है एक कोलकाता में, वहीं से आया हुआ है ये। और बारिश की वजह से ना इनको आने में भी 8-10 दिन लगे हैं। तो इसको ओपन करते हैं हम बॉक्स को। 7-8 प्लांट मैंने इसमें मंगाए हैं, एक शायद उन्होंने फ्री भी दिया है इसमें। तो पैकिंग वगैरह तो अच्छी आती है, और पहले भी मैं इनसे मंगा चुकी हूँ, और बहुत तेज़ गर्मी में भी मंगाए थे एक बार तो मैंने मई में। तो प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं अगर आप अच्छे से केयर करो। मेरे इन गर्मियों में कुछ आपको पता है 10-11 प्लांट्स मरे, तो थोड़ी जगह खाली लग रही थी मुझे, तो मैं उसको भरने के लिए मैंने ये और प्लांट्स कुछ मंगाए हैं। हालांकि मेरे ज़्यादातर प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं इन लोगों से जो मैंने मंगवाए हैं, पर ऐसा नहीं है कि मरते नहीं हैं। कई बार केयर नहीं मिल पाती उतनी अच्छी प्लांट्स को, तो ख़त्म भी हो जाते हैं। हाँ, पर ये लोग अच्छे से ही बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि है ना ख़राब हालत में प्लांट्स मिले हों मुझे कभी, जबकि बहुत अंतर है राजस्थान और कोलकाता में। तो बस यही है कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। तो हमारी नर्सरी में भी जाओ तो फ्रूट प्लांट आजकल 300 से 500 रुपए के ही देते हैं वो, तो उतने का ही पड़ जाता है एवरेज अगर हम लोग निकालें तो। और ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो पॉट्स में ग्रो बैग्स में लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, और मैं आजकल फ्रूट प्लांट्स ही ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा काम कम करना पड़ता है। ये थोड़ा सा खाद भेजा है इन्होंने, और एक ये हमेशा फंजीसाइड भेजते हैं ये लोग सॉरी। तो खाद में तो ये पता नहीं क्या है, खोल के देखेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही बहुत मिट्टी तैयार करूँगी तो उसमें डाल दूँगी इसको। तो प्लांट्स सब ठीक लग रहे हैं अभी, तो हरे भरे से लग रहे हैं। बारिशों का टाइम है ना, तो प्लांट्स अच्छे ही निकलते हैं। तो ये ऑल स्पाइस का प्लांट है ये, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मंगा लूँ मैं ये। 5 जो मसाले एक प्लांट में ये ना खुशबू देते हैं वो, तो ऑल स्पाइस का प्लांट मैंने मंगा लिया। तेज़पत्ता तो हमारे यहाँ खाली काम नहीं आता, इसलिए मैं उसका प्लांट कभी नहीं मंगाती, पर ये ऑल स्पाइस वाला मैंने जो प्लांट होता है 5 मसालों वाला, वो मंगा लिया है इस बार। एक ग्रो बैग में लगा देंगे इसको, 15 इंच के में काफ़ी है। और ये है एक अमरूद, मैंने ना मंगा लिया था एक वैरायटी रेड डायमंड वाली जो थी, नहीं थी मेरे पास।
और ये है चेरी, बारबाडोस चेरी, मैंने एक बार फिर से मंगाई है। पिछला वाला प्लांट मेरा ख़राब हो गया, इसका अच्छा नहीं था, पर ये अच्छा आया है। काफ़ी घना सा है। गुआवा हालांकि मेरे पास 6-7 है, मुझे ज़रूरत नहीं थी एक, पर उन्होंने फ्री वाला प्लांट जो है वो रेड डायमंड गुआवा का ही रखा है। ये देखिए आप, थाई बील का मैंने प्लांट मंगवाया है इस बार। ये गमलों में अच्छे से लग जाता है और बील का फल जो है काफ़ी अच्छा होता है गर्मियों में, और अपने यहाँ आराम से लग जाता है राजस्थान में, तो मैंने एक वो मंगा लिया था थाई बील का प्लांट। और ये ब्लैक वाली जो बेरी होती है उसका प्लांट है, जबकि मैंने मलबरी मंगाया था, वैसे ब्लैक बेरी भेज दिया है उन्होंने उसकी जगह। और ये इसकी पत्तियाँ ज़रूर गिर गई हैं, ये आंवला का प्लांट है, थाई आंवला, ऑल टाइम आंवला। मैंने इस बार एक आंवला ऑलरेडी है मेरे पास अच्छा, और एक ही मैंने और मंगा लिया है। ये रेड इमली, वो स्वीट इमली का प्लांट है ये, तो एक मेरे पास इमली नहीं थी तो मैं लगाना चाह रही थी कि स्वीट इमली कैसी लगती है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती, आराम से चल जाते हैं, तो इस बार मैंने ऐसे ही थोड़े से हार्डी प्लांट्स मंगाए हैं। और ये वस्तारा मैंगो ऑल टाइम वाला जो होता है उसका ये प्लांट है। मैंगो मेरे लगाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे कभी भी नहीं लगते, मैंने बहुत सारे पैसे बिगाड़े हैं उसमें, पर इस बार फिर से मैंने इच्छा रखी है कि मैंगो लगाऊं, अब अच्छे तरीके से लगाऊंगी। तो ये 7-8 प्लांट्स मेरे है ना डीदास नर्सरी से आए हैं, सब फ्रूट प्लांट्स हैं, और है ना कुछ मैंने पहले भी लगाए हुए हैं इनमें से जो चले नहीं, जैसे बारबाडोस चेरी है, ये मैंने पहले भी लगाया है। थाई वाइट जामुन का भी मंगाया है मैंने, इसमें प्लांट एक वाइट जामुन, देखते हैं कैसे होते हैं। ब्लैक जामुन बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि मेरे एक प्लांट तो मैंने सुखाया भी है इन गर्मियों में, बहुत अच्छा मेरा 3-4 साल पुराना, जिसमें बहुत बढ़िया जामुन आया हुआ था, तो मैंने वाइट जामुन मंगाया है। एक और ब्लैक जामुन है मेरे पास ऑलरेडी। तो ये सारे प्लांट्स आए हैं, सभी प्लांट्स ठीक लग रहे हैं। एक प्लांट के पत्ते झड़े हैं बस थोड़े से, आंवला वाले तो वो तो झड़ते ही हैं, वो दोबारा आ जाएंगे, बारिशों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इसी में रहने दूंगी इनको, कोने में रखती हूँ। बारिश देखो हो भी गई रिमझिम रिमझिम, मेरे को जो स्प्रिंकल करना था वाटर इनमें खोलते ही वो नहीं करना पड़ा है, बारिश का ही पानी लग गया, और बहुत अच्छी बात है ये इनमें। अब आज इनको बारिश का पानी लग गया है, कल या परसों मैं इन पर फंगीसाइड का स्प्रे कर दूंगी एक। और बारिश के मौसम में मंगाओ तो ये समस्या नहीं रहती कि है ना प्लांट बढ़त कैसे लेंगे, अपने आप बढ़ने लग जाते हैं प्लांट्स। और इनको मैं अभी शिफ्ट नहीं करने वाली हूँ। और आप लोग भी कभी भी ऑनलाइन प्लांट मंगाएं तो 8-10 दिन उनको ऐसे ही छोड़ दिया कीजिए हल्की धूप छाया में, शुरू में 1-2 दिन छाया में ही रखें, और फिर है ना कुछ नहीं बिगड़ता इनमें पैकेट्स में। मैंने कई बार तो 1-1, 2-2 महीने में भी लगाए हैं इनके प्लांट्स पैकेट्स के। तो मैं इनको थोड़े दिन बाद ही शिफ्ट करूंगी, अभी बहुत तेज़ बारिश है तो मिट्टी भी तैयार नहीं हो पा रही है, तो कोई जल्दी नहीं है मुझे, इसी में रखूंगी मैं इनको। चाहे तो बड़े पॉट्स या टंकियाँ हैं ना जिनमें और बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं उनके ना कॉर्नर पे रख दूंगी इनको, तो अच्छे से चलते रहेंगे ये। बारिश का सीज़न है तो प्लांट लगने में कोई ख़ास समस्या नहीं होती, और ये एनवायरनमेंट से आपके से फ्रेंडली हो जाएं, जब तक इनको इसी में रखना चाहिए, पॉट में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देखो सब्जियां कुछ मैंने लगा दी थी ऐसे ही बीज डाल के, कुछ नहीं किया मैंने इनमें कटिंग वगैरह, बस ऐसे ही बेलें बढ़ने लगी हैं और फूल दिखने लगे हैं अब इनमें। 25-26 दिन हुए हैं मुझे लगाए हुए इनमें, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, कि तो मेरे चढ़ने के अच्छे इंतजाम है यहाँ पर इसमें, तो अपने आप है ना रफ्तार पकड़ लेती हैं बेल वगैरह। और मुझे लग रहा है पता है बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां और खाने मिल जाएं तो ठीक है, क्योंकि मैंने सारी हटा दी थी तेज़ गर्मी में अपनी वेजिटेबल्स इस बार।
तो ये सारी बेलें बढ़ गई हैं, अब कुछ सब्जियां मिल जाएंगी इनमें से दिवाली तक अच्छे से। दिवाली पे मैं ये सब साफ़ कर दूंगी। और अंगूर की बेलें भी बहुत अच्छी बढ़ रही हैं मेरी। और ये इनकी मैंने कटिंग की थी अमरूदों की, इतने भयंकर बढ़ गए दोबारा ये कि है ना, बिल्कुल घने से हो गए थे, तो दोबारा करनी पड़ी है मुझे कटिंग इनकी, जबकि मैंने सीजनल कटिंग कर दी थी इनकी, सर्दियों का फ्रूट बनने वाली जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में ही, पर दोबारा काटने पड़े हैं मुझे। मुझे लगता है मेरे प्लांट्स में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। और ये देखो, एक मैंने ना मलिहाबाद की नर्सरी से पहली बार कुछ मैंगो प्लांट्स मंगाए हैं, जोड़ कलम वाले। जोड़ कलम वाले प्लांट्स कहते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, थोड़ा नीचे से जिनमें कलम बंधी होती है। तो ये 3-4 मैंगो के प्लांट्स लगाने का मेरा मूड था, तो मैंने मंगाए हैं इस बार। ये भी मैं दिखाती हूँ। और ये परसों आ गए थे ये प्लांट्स, तो ये है ना मैंने जो कॉर्नर पे रख दिए कोलकाता वाली नर्सरी के, वो भी देखिए आप। बारिशें लगातार चल रही हैं और मैं अब इनको भी खोल के और फिर है ना फंगीसाइड का स्प्रे करूँगी। तो ये भी प्लांट ठीक से ही पैक होके आए हैं और जल्दी ही मिल गए हैं मुझे, 2-3 दिन में ही मिल गए, क्योंकि मलिहाबाद तो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो ये भी अच्छी पैकिंग में ही आए हैं प्लांट्स। चलो खोलते हैं इनको। 4 प्लांट्स मंगाए थे ये मैंने मैंगो के, मैंने का जोड़ कलम का मंगा के देखती हूँ इस बार अच्छा चले तो। तो इनको भी खोलते हैं। पैकिंग इनकी भी ठीक है और इतने जल्दी प्लांट्स मिल जाते हैं बारिश के मौसम में, तो वैसे भी उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता। लगभग 2.5-2.5 फीट के प्लांट्स हैं ये, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं हैं। जोड़ कलम में नीचे से ही प्लांट बंधता है कलम, तो है ना वी कलम अलग होती है, एक वी कलम होती है जो थोड़ा ऊपर से तिरछा काट के बांधते हैं ये, और एक ये जोड़ कलम होती है जो नीचे से ही बन जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि इसके प्लांट्स ज़्यादा मजबूत होते हैं जोड़ कलम के। सही लग रहे हैं सब प्लांट्स। तो पूरा खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। बारिशों में प्लांट्स लगाने का टाइम होता है और अब मैं फ्रूट प्लांट्स ही लगाती हूँ ज़्यादातर, तो बस कुछ ना कुछ तो मंगाना ही होता है हर साल। और इस बार मेरे काफ़ी ग्रो बैग खाली भी हो गए हैं, कुछ प्लांट्स मेरे सूख गए थे जो, और कुछ और खाली पड़े हुए थे, सब्जियां लगाती थी मैं इनमें ज़्यादातर, तो फ्रूट्स से भर दूंगी इस बार अच्छे से। तो इसमें देखो आप, मैंने कुछ बढ़िया वाले मैंगो मंगाए हैं। एक तो अंबिका मंगाया है मैंने, एक अरुणिमा मंगाया है मैंने, एक बनाना मैंगो मंगाया है इसमें, पूसा अरुणिमा पूसा अंबिका दोनों मंगाए हैं मैंने, अच्छे मैंगो हैं और गमले में काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। और एक मैंने बनाना मैंगो मंगाया है, वो भी बहुत अच्छे से गमले में लग जाता है। और एक मंगाया है मैंने सिंधु मैंगो भी अच्छा। मुझे थोड़ा सा देसी वैरायटियों का भी शौक़ है, तो ये मैंने मैंगो मंगाए हैं 4। देखते हैं अब ये सारे पेड़ कैसे चलते हैं, लगाएंगे इनको।